बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादों के किचन से, दादों की तरफ से मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आपको सिखाऊंगी चिकन टींडा कढ़ाई। ये बिल्कुल गांव के स्टाइल में मैं बनाऊंगी। देखिएगा, चिकन है आधा किलो और एक पाव टींडे हैं, कटे हुए धो लिए हैं। दो अदद बड़ी प्याज कटी हुई, चार अदद टमाटर, इनको हमने ब्लेंड कर लिया है। दो बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, चार हरी मिर्चें कटी हुई बारीक, और मसालों में नमक है 2 टीस्पून, लाल मिर्चें 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च आधा टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून, और 1 कप ऑयल। चलें जी, अब हम इसको शुरू करते हैं। ये मैं सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालूंगी। ऑयल के अंदर जाएंगे ये प्याज, प्याज ब्राउन करने हैं। ये देखें जी, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और इनके अंदर अब मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालते ही साथ इसके मैं ये गोश्त डाल दूंगी। आप चाहें तो मटन इस्तेमाल करें, चाहे तो बीफ, जो आपके घर में पसंद करते हो आप वो वाला गोश्त इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए भून देती हूँ। ये देखें जी, गोश्त का कलर चेंज हो चुका और प्याज भी नरम पड़ गए हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट, और उसके साथ ही मैं ये डाल दूँगी हरी मिर्चें और ये सारे मसाले, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनती हूँ जब तक के ऑयल अलग हो जाए। ये देखें जी, ऑयल ऊपर आ चुका, गोश्त भून चुका, और अब इसके अंदर मैं ये टींडे डालूँगी। इसके गोश्त और टींडों का रेशो जो है वो आपने 1/2 रखना है, यानी जितना गोश्त है उससे टींडे काफ़ी कम, आप आधे टींडे रखेंगे। अगर गोश्त 1 किलो है तो आधा किलो टींडे। इसको हम चिकन टींडा कढ़ाई का नाम देंगे, और ये बिल्कुल मैंने गांव के स्टाइल में बनाई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल शक्ल। ये देखें जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारी चिकन टींडा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से चिकन टींडा कढ़ाई हमारी तैयार है, और इसको मैंने डिश आउट कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी, और साथ में कटी हुई अदरक। इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं, घर की रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दादों के किचन से, दादों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।